बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं ना एक चीज़ स्टार्टिंग में आपको दिखा रहा हूँ। मैं तमाम परदेशियों के लिए है जी, आप भी सुन ले, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं हम जितने भी परदेश में सऊदी बैठे हुए हैं ना, सऊदीया में हम या किसी भी कंट्री में, तो भाई हर बंदे के पास नेट वाला मोबाइल तो है ही, और हर बंदा नेट तो यूज़ करता है। और आजकल तो माशाल्लाह एक मोबाइलों के कैमरे भी भाई बहुत अच्छे आ रहे हैं, और हर बंदा सेल्फी या कोई वीडियो या कुछ कोई कोई भी किसी किस्म की कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देखता है तो उसकी पिक्चर या वीडियो बनाने की कोशिश करता है। चल मैं यार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाऊंगा, मैं भी बेशुमार लगाता हूँ इसी चैनल के ऊपर। आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं जो मैंने लाइव रिकॉर्ड की हुई है, जद्दा से बेशुमार, जद्दा एंड रियाज एंड बहुत से शहरों, जिजान वगैरह, जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ। ये बात आपके साथ क्यों कर रहा था, ये जो मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ वही पिक्चर, इसमें लिखा क्या हुआ है? पहले मैं आपको ग्रामा पढ़ के सुना दूँ, फिर थोड़ी तफसील समझा देता हूँ मैं। इसमें ग्रामा लिखा हुआ होता है सिजन मुद्दत तसल खमसा सनवात, ठीक है। और आगे लिखा हुआ जी ग्रामा मालिया तसल 3 मिलियन रियाल, यानी कि 5 साल की कैद और 3 मिलियन रियाल यानी कि 30 लाख रियाल का जुर्माना। जी मेरे भाई, ये अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई ये इतना बड़ा कौन सा जुर्म है जिसके ऊपर इतना जुर्माना है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर कोई बंदा सऊदी अरेबिया में ड्रग्स बेचता हुआ पकड़ा जाए ना, तो उसके ऊपर ग्रामा नहीं होता है, बहुत कम होता है उसके ऊपर ग्रामा हो, वरना ग्रामा नहीं होता है, उसको सज़ा होती है। 1 साल की कर दें, 2 साल की कर दें, 5 साल की कर दें, उसके बाद डिपोर्ट कर देते हैं। ये उससे भी बड़ा जुर्म मेरे नज़दीक माना जा रहा है, जो कि मैं देख रहा हूँ 5 साल की कैद और साथ में 30 लाख रियाल का जुर्माना बताया जा रहा है। ये किस सूरत में होगा? और ये गलती, जैसा कि मैं बोलता हूँ, गलती भूल के भी मत कीजिएगा, जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ भाई, कि आप हर बंदे के पास नेट वाला मोबाइल है, कैमरे वाला मोबाइल है। वो देखें, आपने कोई भी अपने मोबाइल से, अभी सुन लीजिएगा, अपने मोबाइल से आपने कोई भी ऐसी वीडियो बनाई, मिसाल के तौर पर दो बंदे आपस में झगड़ा कर रखे हैं और आपने उनकी वीडियो बना ली, ठीक है, दोनों की झगड़ा करते हुए की, और उसके बाद वो वीडियो आपने सोशल मीडिया अपने किसी भी अकाउंट्स के ऊपर शेयर की, या व्हाट्सएप के ऊपर या किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी को सेंड की, बाद में वो बंदा पकड़ा गया, उसके बाद आपने सऊदी मरूर, सऊदी जवाजात, यानी कि कोई भी मरूर की दौरियत की गाड़ी को बंदे पकड़ रखे हैं, वो ये चेकिंग की, चेकिंग लगाई उन लोगों ने, और आप उनकी वीडियो बना रहे हैं, उस सूरत में भी आप इसी जुमरे में आएंगे। इसके बाद कोई भी किसी किस्म की मजहबी चीज़ों को लेकर, मिसाल के तौर पर एक इमाम नमाज पढ़ा रखे हैं और आप अपनी अपनी नमाज छोड़कर, नमाज तो क्या अपनी, ऊपर से जाकर उसकी भी वीडियो और नमाजियों की भी वीडियो बना रहे हैं, या उसके मतलब कोई भी किसी किस्म की कमेंट्री कर रहे हैं गैर अखलाकी, ठीक है, तो उस सूरत में भी आप इसी जुमरे में शुमार होंगे, ठीक है। यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने किसी की भी मर्जी के बगैर, हाँ इसमें आगे वाले बंदों की मर्जी है तो फिर अलाउड है। मिसाल के तौर पर सुन ले, मैं, मेरा दोस्त एक साथ में बैठा हुआ है, हम दोनों आपस में भी किसी चीज़ को लेकर बहस बहस कर रहे हैं, या मिसाल एक आप शुगल के तौर पर हम दोनों आपस में हंसा मजाक कर रहे हैं, या टिकटॉक के ऊपर वीडियो लगाने के लिए हमने एक ने डंडा पकड़ा हुआ है हाथ में और मैंने कोई और चीज़ पकड़ी हुई है हाथ में, और हम वो टिकटॉक के ऊपर साउंड के ऊपर उस हिसाब से वो डंडा और वो चीज़ें घुमा रहे हैं आपस में, और आप हमारी वीडियो बना रहे हैं, उसमें तो हमारी इजाज़त ही है ना आपको, आप वीडियो बनाए हम टिकट, उस सूरत में हम दोनों पकड़े जाएंगे, आप नहीं पकड़े जाएंगे। यानी कि अगर आप किसी की मर्जी से वीडियो बनाएंगे और खुद अपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको शेयर नहीं करेंगे, उस बंदे को दे देंगे, तो वो बंदा भाई गिरफ्तार होगा, जब वो शेयर करेगा आपको नहीं पूछा जाएगा। हाँ, किसी की मर्जी के बगैर अगर आप उसकी वीडियो बनाएंगे, उसको उसके बाद आप अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर या कहीं और उसको शेयर करेंगे, तो फिर आप भाई पकड़े जाएंगे। तो उसके ऊपर 5 साल की कैद और 30 लाख 3 मिलियन रियाल, भाई 30 लाख रियाल तक का जुर्माना है इस चीज़ के ऊपर। परदेसी भाई तमाम, मैं ये नहीं बोलता कोई बंदा अभी टिकटॉक, यूट्यूब या ट्विटर या इंस्टाग्राम, कहीं भी किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर भाई को वीडियो ना लगाए, नहीं, आप मिसाल तो ज़्यादा कॉर्नर चले जाएँ यार समुद्र के किनारे, आपको शायद एक आध मैं वीडियो साथ में दिखा रहा हूँ, वहाँ मैंने खुद बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाएँ, वीडियो बनाएँ, घूमें, अपनी बनाएँ, वहाँ पर का माहौल दिखाएँ। हाँ, आप वहाँ माहौल में भाई कुछ ऐसी चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं जो आप उनको जूम कर करके बंदों को दिखा रहे हैं, चाहे उनमें खवातीन है, तो भाई आपको पकड़ा जाएगा।
सीधी सी हाँ, आप माहौल दिखा रहे हैं, आपके कैमरे में कोई अगर जा रहा है आ रहा रिकॉर्ड हो रहा है थोड़ा बहुत, तो कोई मुश्किल नहीं। आप अपनी वीडियो बना रहे हैं, इसमें कोई आपके पीछे से गुजर रहा है या इस तरफ गुजर रहा है, तो फिर कोई मुश्किल नहीं। हाँ, आप जानबूझकर भाई किसी की वीडियो बनाएंगे तो उसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करेंगे तो उसके ऊपर भाई आपको ये जुर्माना होगा। फिर तमाम परदेसी भाई एहतियात कीजिएगा, सऊदी अरेबिया में अभी सोशल मीडिया को भी लेकर मैं बोलता हूँ बहुत से फाइन और जुर्माने मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं।